नमस्ते एवरीवन, हाय, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय चैनल मिनीजा ऑन द रॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ बैगन के भरते की रेसिपी शेयर करूंगा, तो ये मैं हूं आपके सामने बैगन के भरते की रेसिपी के साथ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ का बैगन, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि बैगन के अंदर ऐसे कट लगाने हैं जिसके अंदर मैं छिला हुआ लहसुन डालूंगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप जरूर पूछेंगे और मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ये इसलिए है क्योंकि हम बैगन को करने वाले हैं गैस पे रोस्ट, और जब हम रोस्ट करते हैं तो अंदर जो लहसुन होता है उसका पूरा फ्लेवर बैगन के अंदर इम्पार्ट हो जाता है, जो आपको बहुत ही सौंधी सी खुशबू देता है और टेस्ट। इसको आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको समझ में आएगा डिफरेंस। तो ये मैंने रेडी कर दिया है, ऐसे ही मैं दूसरा वाले बैगन भी रेडी कर दूंगा। आप में से बहुत लोगों को ये तरीका पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कोई नहीं। अब ये है टमाटर। टमाटर के साथ मुझे ऐसे इसमें 2 कट्स लगाने हैं टमाटर के नीचे वाले हिस्से में, टमाटर के बेस में, क्योंकि मैं टमाटर को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको कर रहा हूँ बॉयल। नॉट एग्जैक्टली बॉइलिंग, प्रोसेस इज नोन एज ब्लांचिंग। इसको हम बोलते हैं ब्लांचिंग। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको हम मीडियम फ्लेम पे लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो उससे क्या होता है कि टमाटर अपनी स्किन को ईजिली छोड़ देता है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको हम कूट लेंगे यानी क्रश कर लेंगे, और इसे क्रश करके हम साइड में रख देंगे। अब जो हमारा आगे का प्रोसेस है थोड़ा ट्रिकी है। अब देखिए, मेरे पास बैगन को रोस्ट करने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर में जो टोंग्स हैं यानी चिमटे हैं, उनको मैंने गैस पे ऐसे रख दिया है और उसके ऊपर रख दूंगा मैं बैगन। आपके चिमटे थोड़े से खराब जरूर होंगे, थोड़ी मेहनत लगाकर इसको धो लीजिएगा, लेकिन और कोई तरीका मेरे पास तो नहीं था फिलहाल। बैगन को आपको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे घुमा घुमा करके अच्छे से रोस्ट करना है। ये देखिए, हमारा पहला वाला बैगन ऑलमोस्ट डन है। ये तो हो गया है, दूसरे बैगन को भी मैं जल्दी से रोस्ट कर लेता हूँ। बैगन को रोस्ट करना बहुत ही जरूरी है, यही आपको स्मोकी फ्लेवर देता है भरते में। तो चलिए, जब तक बैगन हो रहे हैं मेरे दूसरे वाले, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियो को। तो बैगन तो रेडी हैं, अब मैंने टमाटर भी निकाल लिया है। टमाटर की स्किन को मैं हटा देता हूं। अब ये बहुत जल रहे हैं, आप थोड़ा संभाल के करिएगा, थोड़ा ठंडा होने का वेट करिएगा। ये जो जूस निकल रहा है टमाटर से, इस जूस को वेस्ट मत करिएगा। ऐसे ही बैगन को भी हम डीस्किन कर लेंगे। टॉप को ऐसे काट के निकाल दीजिए। बैगन को अच्छे से खोल करके देख लीजिए, क्योंकि बैगन में कीड़े बहुत होते हैं, तो मैं उनका बहुत ध्यान देता हूं। चलिए, यहां तक हो गया। अब हम करेंगे पैन को हीट, और उसमें मैं डालूंगा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का ऑयल, 1/2 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून जीरा। इसका हम देंगे तड़का, और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम अपने टमाटर। टमाटर
टमाटर को स्लोली स्लोली इसमें क्रश करिए, क्रश करके इसे अच्छे से पका लीजिए। लगभग 5 मिनट आपको इसे पकाना है ऐसे, और फिर इसमें हम डाल देंगे बैंगन। बैंगन का जो जूस है वो अच्छे से ध्यान दीजिए इसमें आ जाए। इसे भी अच्छे से हम पका लेंगे। जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमने क्रश करके साइड में रखा है, उसे हम एंड में डालेंगे ताकि भरते में एक रॉ फ्लेवर रहे। वैसे तो भरता बनाने के बहुत से तरीके हैं, बट ये जो तरीका है ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है जिसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है जो आपके किचन में इजीली बन सके। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। शुरुआत करेंगे नमक के साथ। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला, दैट्स इट। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये भरता हमारा रेडी है। सो इस भरते की जो खास बात है वो है इसका स्मोकीनेस। इसको आप जब ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टाटा बाय बाय, टेक केयर।